नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों वेदर मूवी की रिव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। तो मुझे कंटेंट में तो कोई दम नज़र नहीं है, कंटेंट तो वही अलग तरीके कोई स्टोरी लगी नहीं, वही भगवान श्री कृष्ण जी की गीता से संदर्भ लेकर के कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सब मनुष्य समान है, कोई अलग नहीं है। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ और रक्षा करता हूँ, अर्जुन का सारथी बनता हूँ, उस तरह से मतलब एक लेकर के जॉन अब्राहम को इस रूप में एक पेश किया गया है कि वो किस प्रकार से मतलब सुरक्षा के लिए आई है, किस प्रकार से वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, जाति पे प्रहार करती है, किस प्रकार से जातिवाद फैला हुआ है, ये छोटा ये बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब इंसान एक समान होते हैं, कोई जाति नहीं होती है, इस तरह की बातें ये फिल्म करती है। लेकिन ऐसी बातें बहुत सी फिल्मों में की गई है, तो कोई ऐसा कुछ नया नहीं है। और कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है जिस प्रकार से जाति की बातें की गई है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ज़्यादा इस पर तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ सीन कुछ तरह से कुछ डायलॉग्स ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर कुछ ऐतराज़ भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, जो फिल्म वालों की एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी लिबर्टी के हिसाब से इन्होंने फिल्म बनाई है। लेकिन अडवाणी का डायरेक्शन है तो टोटलिटी में फिल्म ठीक ठाक आपको लगेगी। जॉन अब्राहम के जो एक्शन सिक्वेंसेज है वो जरूर प्रभावशाली है, कुछ उसके बारे में टोटली नहीं कहूँगा कि सारे, कुछ प्रभावशाली है। सरवरी के साथ उनकी जोड़ी ठीक लग रही है, सरवरी प्रभावित भी करती है अपनी एक्टिंग से। इसके अलावा जो अभिषेक बनर्जी है उनका एक यहाँ पे जरूर थोड़ा सा अलग विलेन टाइप का, अभी तो कॉमेडी करते हुए उनको हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे एक विलेन के अवतार में वो थोड़ा सा जमती जरूर है। हालांकि अक्षय कुमार जॉन अब्राहम के सामने तो विलेन कैसे जमेंगे, वो उनकी फिजिक और जॉन की फिजिक में काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी अपनी एक्टिंग से यहाँ पे वो जरूर प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक जरूर मुझे एक अलग उनका एक्सपेरिमेंट लगा। कुल मिलाकर के डायलॉग्स ठीक है, एक्शन ठीक है, विजुअल, सिनेमाटोग्राफी, बीजीएम और सब कुछ मिलाकर के कंटेंट में थोड़ा बस कंटेंट में प्रॉब्लम, कंटेंट उतना नया उतना अलग नहीं है। मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हो गया, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, लेकिन मुझे तो कोई खास लगा नहीं। 2.5 स्टार आउट ऑफ 5, जैसे राम जी बोले।